नया आयाम और सरगम संस्था द्वारा होटल इंद्रलोक में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विनय मिश्र द्वारा गजल संग्रह पर आधारित पुस्तक तेरा होना तलाशु का लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जनवादी लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मशहूर कथाकार असगर वजाहत रहे। डॉक्टर विनय मिश्र के दूसरे गजल संग्रह तेरा होना तलाशु का लोकार्पण आज एक होटल में किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि की अध्यक्षता जनवादी लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मशहूर कथाकार असगर वजाहत रहे। वहीं अध्यक्षता कवि राम कुमार कृषक ने की। साथ ही इग्नू के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के डॉक्टर शंभुनाथ तिवार, साहित्यकार ज्योत्सना प्रभा तथा अनु जसोटिया विशिष्ट अतिथि रहे। इस दौरान हिंदी गजल पर राष्ट्रीय विमर्श किया गया और डॉक्टर विनय मिश्र की पुस्तक का विमोचन भी हुआ। इस दौरान इंद्र कुमार तोलानी, रामचरण राग, रामधुमार आलोक सहित काफी संख्या में साहित्यकार और कवियों ने भाग लिया। वहीं मंच संचालन प्रदीप प्रसन्न और सीमा विजयवर्गीय ने किया। किन लफ्जों में इतनी कड़वी, इतनी कसीली बात लिखूं, किन लफ्जों में इतनी कड़वी, इतनी कसीली बात लिखूं, शेर की मैं तहजीब निभाऊं या अपने हालात लिखूं। किन लफ्जों में इतनी कड़वी, इतनी कसीली बात लिखूं, शेर की मैं तहजीब निभाऊं या अपने हालात लिखूं। अपनी सीमाओं में रहते हुए जो कुछ कर पाया हूँ आज आपके सामने है, इसलिए आज मेरे बहुत कुछ कहने का दिन नहीं है, आज मेरे सुनने का दिन है। और इसलिए भी सुनने का दिन है खास तौर पर कि आज मंच पर गजल पे कहने के लिए देश के एक से बढ़कर एक हमारे विद्वान, समीक्षक, कवि, हमारे हम सब के, आप शहर के नहीं, देश हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के प्रिय लेखक, शीर्षस्थ लेखक और स्टार लेखक मैं कहूँगा, आदरणीय असगर वजाहत जी हमारे बीच में। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तो यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि, और मैं उससे ऊपर उठकर कहना चाहता हूँ कि हाँ, सभी यहाँ स्टार आलोचकों में से एक बढ़कर एक हैं, लेकिन हम सबके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो आप सब हैं जो यहाँ सुपरस्टार के रूप में मौजूद हैं। गजल का कोई बहुत शास्त्रीय अध्ययन करना या उसकी व्याख्या करना, इसमें मैं कभी गया नहीं, तो मैं एक सामान्य और साधारण गजल के पाठक के रूप में ही आपके सामने कुछ बातें, क्या कुछ सवाल रखूंगा, अपनी कुछ चिंताएं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं विनय मिश्र जी को बहुत बधाई देता हूं। एक बहुत कठिन और मुश्किल विधा में वे एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।